बुढ़िया और उसके नौकर। एक बूढ़ी औरत थी, उसके यहाँ दो नौकर थे। बूढ़ी औरत रोज सुबह मुर्गे की आवाज को सुनकर उठ जाती थी, फिर वो अपने नौकरों को जगाती और उन्हें काम पर लगा देती थी। लेकिन दोनों नौकरों को सुबह इतनी जल्दी उठना पसंद नहीं था, इसलिए वे दोनों हमेशा यही सोचा करते थे कि ऐसा कोई उपाय करना चाहिए ताकि हम आराम से सो सके। फिर एक दिन एक नौकर ने कहा, क्यों ना हम सभी मुर्गों को मार डाले, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यदि मालकिन सुबह मुर्गे की आवाज नहीं सुनेगी तो जल्दी उठेगी कैसे? यदि वह सुबह जल्दी जागेंगी नहीं तो हमें नींद से कौन उठाएगा? फिर हम लोग आराम से चैन की नींद सो सकेंगे। दूसरे नौकर को यह बात पसंद आ गई। दूसरे दिन दोनों नौकरों ने मिलकर मुर्गे को मार डाला। जब मुर्गा ही नहीं रहा तो सुबह होते आवाज कौन देता? अब बुढ़िया को सुबह उठने का समय नहीं पता चलता था, इसलिए वह पहले की अपेक्षा और भी जल्दी उठ जाती थी। एक बार वह जग जाती तो नौकरों को भी नहीं सोने देती। मुर्गा तो मर गया पर नौकरों की परेशानी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। अब उन्हें और भी जल्दी उठना पड़ता था। दोस्तों, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है कमेंट में बताइए, और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।